उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में बुढ़ापे में गुजर बसर करने वाली वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े की आशंका व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों को सत्यापन करने का फैसला किया है, जिसके चलते जिले में पेंशन धारकों की ईकेवाईसी कराई जा रही है, जिसके चलते दो माह में अभी तक 4,443 पेंशन धारक मृत निकल चुके हैं। जिले में 97,000 से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, लेकिन स्थिति जो सामने आई वो फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। बता दें कि जनपद मैनपुरी में राज्य सरकार की योजना के तहत 93,952 बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन भेजी जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों का सत्यापन कराने के लिए फैसला लिया है, जिसके तहत सभी पेंशन धारकों को 30 जून तक ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने 25 जून तक सभी पेंशन धारकों की ईकेवाईसी कराने की रणनीति बना ली है। समाज कल्याण विभाग निर्देशन में पिछले दो महीने से घर घर जाकर किए जा रहे सत्यापन में 4,443 पेंशन लाभार्थी मृत पाए गए, तो विभाग में उनके खातों में भेजी जाने वाली पेंशन राशि पर रोक लगाती है। वहीं खाते में जाने वाली राशि निकालने पर भी रोक लगाई गई है। मुर्दे ले रहे हैं ये बात कहना थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगी। जनपद में हमारे यहाँ 97,000 से ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनका हम लोग वार्षिक सत्यापन कराते हैं। गत माह में हम लोगों ने सत्यापन कराया था, जिसमें से करीब 4,443 लोगों की सूचना मिली है जो मृतक पाए गए हैं। इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पहले तो बैंक को सूचित कर दिया है कि इन लोगों के अगर अकाउंट में कोई धनराशि किसी भी कारण से गई हो तो उसका आहरण रोक दिया जाए, और उसके बाद हम लोग SDMs के माध्यम से इनके मृत्यु की तिथि निकलवा करके, अगर मृत्यु के पश्चात कोई अगर धनराशि पेंशन की इनके अकाउंट में गई है तो उसको वसूलवाना, और अगर किसी की लापरवाही या किसी के कनाइवेंस के साथ या किसी धूर्तता के साथ या किसी छल के साथ अगर गई है तो जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews।